ये चाय भी जो आप पीते हो ये भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। हम नहीं पीते चाय, चाय नहीं पीते, है ना। आप लोग मैया के चाय इतना पीती है, तो चाय पी पी के तुम्हारी चाह बढ़ी है, चाय पी पी के चाह बढ़ी है। दोनों ही चाह गलत है, चाय भी गलत है और चाय को औषधि के हिसाब से लेना चाहिए। चाय में चाय कैसी पीना चाहिए, पानी डालो, पानी में पत्ती डालो, चाय पत्ती, पत्ती डाल के पकाओ और चाय पत्ती को जब पक जाए तो उसमें जरा सा नींबू डाल के उसे पियो। वो औषधि आपकी बुद्धि को विकसित करेगी। ये औषधि आपको हफ्ते में 3 बार या 2 बार लेना है, बच्चों को पिलाया करो ऐसे। चाय का दूध से कोई संबंध नहीं है। चाय में जब दूध गिरा तो चाय और दूध मिलते ही, जैसे घी और शहद के मिलते ही एक तीसरा फॉर्म तैयार हो जाता है। जब दो को जोड़ते हैं तो तीसरा तैयार होता है ना, सिद्धांत है। तो जहर हो जाता है, जैसे शहद और घी दोनों को मिक्स किया जाए तो वो जहर हो जाता है। उसी तरह दूध और चाय का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो जहर है आपके लिए। धीरे धीरे चाय पीने वाला धीरे धीरे मरता है तड़प तड़प करके बीमारियों से, अनेक बीमारियों का धनी हो जाता है, धन्ना सेठ बन जाता है बीमारियों का चाय पीने वाला, समय के पहले ही मर जाता है। चाय पत्ती को पानी में पकाकर उसमें नींबू निचोड़कर वो पियो, वो बच्चों को पिलाओ, वो बुद्धि का विकास करने में चाय पत्ती सहायक है। चाय पत्ती औषधि है, चाय की खेती होती है आसाम वगैरह में। हम वहां गए, हमने चाय के खेतों को देखा है। चाय एक औषधि है, क्या है, और औषधि को दूध के साथ नहीं लिया जाता, समझो। औषधि को शहद के साथ लिया जाता है। आप जरा सी शहद मिला सकते हैं उसमें नॉर्मल टेम्परेचर होने पर। चाय में थोड़ा शहद मिला लीजिए, पकाने, शहद को पकाई नहीं जाती, शहद को पकाना नहीं चाहिए। जब चाय को छान लो हल्का सा नॉर्मल पीने लायक हो जाए तो शहद डाल सकते हैं मीठे के लिए। नींबू, शहद और चाय औषधि है, औषधि के तौर पर लो। अब आप लोग ना कुछ भी पिए जा रहे हैं। लंदन में चाय नहीं पीते लोग, लंदन का व्यक्ति चाय नहीं पीता, वहां पे गुटका नहीं खाता कोई, सिगरेट पीते हैं, गुटका नहीं खाते कोई भी, गुटका बिकता ही नहीं वहां पर, चाय कोई नहीं पीता वहां पर, कॉफी पीते हैं। और कॉफी भी मैंने वहां की कॉफी पी, आप लोग हम लोग एक रत्ती नहीं पी सकते, कोई स्वाद नहीं। लेकिन कहते हैं कि वो कॉफी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। जो अपने भारत में कॉफी में ना मीठा डाल के दूध डाल के पी रही है वाली नहीं, वहां सिर्फ कॉफी है। वो उसे एनर्जी ड्रिंक के हिसाब से लेते हैं, वो एनर्जी देती है बस, इस हिसाब उसे स्वाद से मतलब नहीं होने। वो सेहत को लेकर बड़े तैयार है, सेहत के साथ। वो अंग्रेज लोग जो हैं वो खाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा एनर्जी, वो सलाद ज्यादा खाते हैं। वो आप आश्चर्य मानेंगे, कच्ची भाजी, ये चारा जो खाने योग्य है, चारा मतलब ये नहीं जो हरा भरा चीज ज्यादा खाते हैं, ऐसी ऐसी चीज। महुआ जानते हैं, महुआ, महुए की शराब बनती है, वहां पर महुआ मिलता है, महुआ खाते हैं लोग वहां। अपने देश में होता है, कोई नहीं खाता, अपने देश में महुआ होता है। महुआ को बदनाम किए हैं शराब से, शराब बनती है। कच्चा महुआ और सूखा महुआ बहुत फायदा, महुआ समझते हैं मेरी माँ, महुआ, महुआ बहुत फायदा करता है। फुला के खाइए, किससे खाइए, फुला के खाइए,
हम अभी लंदन गए थे, तो लंदन में हमने एक चीज देखी, वहां प्रत्येक घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चार चक्के की फोर व्हीलर, और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन वहां प्रत्येक घर में साइकिल हमने देखी। वो लोग ये कहते हैं कि जब 2-3 किलोमीटर दूर का काम है हमारा, तो हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम साइकिल से जाएंगे। साइकिल से जाने के लाभ क्या हैं? पहला, काम हो जाएगा आपका। दूसरा, डीजल पेट्रोल बचेगा। तीसरा, प्रदूषण नहीं होगा हमारे देश में। चौथा, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ और दीर्घजीवी होता है। अब आजकल आप लोग 3,000 रुपए देते हो उसको, जिम वाले को, और जिम में जाके चलाते क्या हो? साइकिल। अरे पागल, वहां जाके 3,000 देके साइकिल चला रहा है, तो यहां सब्जी भाजी साइकिल में लेके क्यों नहीं आता? अपने आप जिम हो जाएगी तेरी। सम देखो जरा, पैसे का आदमी दुरुपयोग कर रहा है ना, इसलिए चिल्ला रहा खर्चे खर्चे खर्चे। प्रत्येक घर में वहां जो करोड़पति है, लंदन में जब मैंने देखा, करोड़पति है, अरबपति है, सब कुछ है, पर उसके घर में साइकिल जरूर है, साइकिल। और तो सब ठीक है। वहां की मेट्रो में मैंने यात्रा की, तो वहां की मेट्रो में जब मैं बैठा मेट्रो ट्रेन में, तो मेट्रो के अंदर लोग साइकिल पर खड़े थे, मतलब वो अपने घर से पास में स्टेशन है तो साइकिल लेके घर से साइकिल से मेट्रो स्टेशन तक आ गए। समझो, देखना दिमाग, देखो जरा, घर से 2 किलोमीटर तक यदि मेट्रो है स्टेशन, तो घर से 2 किलोमीटर साइकिल से आ गए, और फिर जहां उनको काम पर जाना है वहां के स्टेशन से उनका 1 किलोमीटर दूरी पर काम है, तो स्टेशन से उतरे, साइकिल निकाली और साइकिल से वहां चले गए। तो मतलब गाड़ी का खर्चा कुल मिला के रिक्शे का खर्चा बचा कि नहीं? अब आज अपने यहां भारत में क्या है, भगवान ने ज्यादा पैसा दिया, अरे तो पैदल क्यों चलना गाड़ी से? आपके घर में सीढ़ी लगी है और लिफ्ट भी है, और आप सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, और लिफ्ट है तो आप सीढ़ी से नहीं चढ़ते, आप लिफ्ट लगी है नहीं। अरे लिफ्ट का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आवश्यकता है, जैसे अब ये बूढ़ी मैया है, इसे ऊपर के फ्लोर में जाना है और ये चढ़ नहीं सकती, तो ऐसे लोगों के लिए लिफ्ट लगी थी। पर आजकल तो जवान बच्चे लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, सीढ़ी का प्रयोग नहीं करते। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए लिफ्ट लगी है। ये दास अनिरुद्ध में सीढ़ी का प्रयोग करता हूं, कभी महीने में एक बार कभी लिफ्ट पर खड़े होकर देख लेता हूं कि लिफ्ट ठीक चल रही है या नहीं, इसलिए, वरना मैं सीढ़ी का प्रयोग करता हूं, लिफ्ट से नहीं जाता आता। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। हम लंदन गए, वहां पर हमने एक चीज देखी, वहां के लोग अपने सेहत को लेके बहुत चौकस होते हैं, तैयार होते हैं, वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, उतना ही खाते हैं जितनी उनकी आवश्यकता है। तो हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। क्या नहीं पीना चाहिए? ये दास अनिरुद्ध, हम चाय नहीं पीते, हमें कोई शौक नहीं है चाय का। हम सवेरे उठकर चाय नहीं पीते, सवेरे उठकर पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद नहा करके भगवान जी का पूजन करते हैं, उसके बाद अंकुरित अनाज खाते हैं, चने अंकुरित, दाल अंकुरित, फल खाते हैं, कोई चाय नहीं। हम दूध पीते हैं, दूध। तो आज से कितने लोग अपनी चाय को सुधारेंगे और चाय में दूध डालकर नहीं, नींबू कॉम्बिनेशन नींबू के साथ, उससे बुद्धि विकसित होती। पता है आपको, चाय औषधि है, नींबू के संपर्क में आने से उसका अलग फॉर्म होता है और अलग उसका फायदा होता है। इसलिए चाय मतलब हमारे यहां क्या, चाय मतलब शक्कर डालो, शुगर है, मर रहा है आदमी शुगर नहीं, चाय तो पिएंगे, मरो।
शुगर है लेकिन चाय तो पिए। अक्लहीन है हमारे यहां, खाने पीने का कोई सिद्धांत नहीं मानते। विदेशों में खाने पीने वो चीज खाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल जाए, शरीर के लिए वो देखते हैं लाभदायक क्या, वो स्वाद से मतलब नहीं है उन्हें, स्वाद जाए चूल्हे में। अब बताइए महुआ खाते हैं तो उस महुए में कौन सा स्वाद होता है, फुलाकर खाते हैं महुआ फिर भी स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है महुआ, कच्चा महुआ भी लोग खाते हैं अपने यहां, अच्छा लगता है, लेकिन महुआ कितना एनर्जी देता है शरीर को, कितना ताकत, पर खाता कौन है अपने यहां। अपने यहां पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सब व्यर्थ की चीज है। इसलिए खान पान ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है।